हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक बढ़िया होंगे। मैं विशाल सिन्हा आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन में आपका वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास टेंथ का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का, यानी रिप्रोडक्शन का। पिछले पार्ट में हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा आपका। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे, यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसके पहले आपको दो छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन बहुत ही सिंपल है। एडोलेसेंस क्या है और प्यूबर्टी एज क्या है। एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड से एडल्टहुड वाले स्टेज के बीच में जो ड्यूरेशन हुआ, जो गैप हुआ, उस गैप को ही एडोलेसेंस कहते हैं। इस दौरान साइकोलॉजिकल चेंज और सोशल चेंजेस देखे जाते हैं, यानी सोचने की एबिलिटी चेंज हो जाती है उस चाइल्ड की, उस पर्सन की। किसी के टुवर्ड्स कुछ फील करना, ये साइकोलॉजिकल चेंज है। किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाना या काफ़ी कॉन्शियस हो जाना, ये सब क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल चेंजेस है जो आपके दिमाग में होते हैं। दूसरा है प्यूबर्टी। कहीं ना कहीं आप लोग भी इसी एज से बिलोंग करते हो। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है? इट इज़ द पीरियड ऑफ फिजिकल चेंज बाय विच अ पर्सन रीच एट सेक्सुअल मैच्योरिटी दैट इज बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी जब एक इंसान के अंदर ये जो एडोलेसेंस एज आता है तो इस दौरान बॉडी में फिजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो चेंजेस जो देखकर ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं कि वो बच्चा अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एडल्टहुड वाले स्टेज में जा रहा है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यूबर्टी। तो इसके दौरान क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होता है, यानी बायोलॉजिकली वो रिप्रोडक्शन के काबिल, यानी गैमेट फॉर्मेशन के काबिल हो जाता है। सोशली नहीं कह सकते। प्यूबर्टी स्टार्ट्स इन मेल एट 12 एंड इन फीमेल एट 11, यानी फीमेल से ये प्यूबर्टी एज पहले स्टार्ट हो जाती है और मेल में थोड़ा लेट से। याद रखिएगा आप, ये 11 और 12 जो ईयर है ये एक एवरेज है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। अब देखते हैं, अब रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है गोनैड्स। गोनैड्स कौन से ऑर्गन? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इन दोनों ऑर्गन को कहा जाता है गोनैड्स। तो याद रखना आपको। देखो, अगर मेल की बात की जाए तो मेल के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसीलिए मैंने लिखा है। और ये क्या करते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम एंड्रोजन है, या फिर इसी हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन सेम ही है, याद रखना आपको, नाम दो अलग अलग हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो रहे हैं ना, उसके लिए। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? यानी ऐसे कैरेक्टर जो ऑब्जर्वेबल हो, वैसे कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ह्यूमन बींग के अंदर हो रहे हों ताकि वो रिप्रोडक्टिवली स्टेबल हो पाए। तो वैसे ही कैरेक्टर को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाएगा। दूसरा, अ पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल विच सिक्रीट इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी फीमेल में भी दो ओवरीज होंगे, इसलिए लिखा है अ पेयर ऑफ ओवरी। सिक्रीट क्या करेंगे? यहाँ दो हार्मोन सिक्रीट होंगे। मेल में एक ही हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, नाम मैंने दो बताया, और फीमेल में दो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक का नाम है इस्ट्रोजन और दूसरा का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन भी सेम काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर जो चेंजेस देख रहे हैं ना, उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाएगा। और वो किसके कारण हो रहे हैं? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों में जो मेन हार्मोन है वो है इस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़्यादा काम करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस के अंदर सीक्वेंस वाइज कुछ स्टेप्स देखने जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो टोटल 6 स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन में, तो दो मैंने लिखा है। पहला है गैमेटोजेनेसिस। देखो, हमने बताया है जेनेसिस, याद करो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। जेनेसिस यानी कुछ फॉर्म होना, आगे क्या लगा? गैमेटो यानी गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट का फॉर्म होना, इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आपको पता है कि मेल में मेल गैमेट फॉर्म होगा जिसका नाम है स्पर्म, और फीमेल में ओवम, ये है फीमेल गैमेट। एक और चीज़ याद रखना कि जो गैमेट होते हैं ना, वो मियोसिस डिवीज़न के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था। अब ये मियोसिस क्या है? मियोसिस याद करो, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते थे। तो ये जो दोनों गैमेट है, स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों गैमेट हैप्लोइड होंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ होगा, यानी जो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है उसका हाफ हमारे गैमेट्स के अंदर होता है, और ये मियोसिस डिवीज़न के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब सोचिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? गैमेट बनना। अगर गैमेट ही नहीं बनेगा तो बाकी का प्रोसेस होगा ही नहीं।
नेक्स्ट है इंसेमिनेशन, यानी मेल गैमेट का फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना ड्यूरिंग कॉपुलेशन या सेक्स। तो ये क्या है, ये है इंसेमिनेशन। देखिए कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, सेक्स के लिए यूज़ किया जाता है कोइटस, कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्स। सबका मतलब आपको सेम ही है, बुक्स में अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, सबका मतलब आपको सेम ही समझ लें। इंसेमिनेशन के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन, या इसी को सिनगैमी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सिंपल है, फर्टिलाइजेशन आपने बचपन से देखता आया होगा, शायद हर क्लास में आपको दिख गया होगा। यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जायगोट, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी दो मेल और फीमेल गैमेट का मिक्स होना, फ्यूज़ होना, और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बनता क्या है इसमें, जायगोट। तो याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद ये रखना है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बोथ द हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज एंड रिस्टोर डिप्लॉयड कंडीशन बाय फॉर्मिंग जायगोट। यानी हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो क्या है, वो सब डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड यानी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है हर चीज़ का, यानी 23 पेयर। कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 है, जिसको हम 23 पेयर भी कहते हैं। 23 पेयर कहने का मतलब क्या है कि जितना 23 होगा बाकी का जो 23 है वो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसलिए उनको डिप्लॉयड कहा जाता है। डाई यानी दो, कितने सेट हैं, दो सेट हैं क्रोमोसोम के। लेकिन जो हमारे गैमेट होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड। क्यों, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न के द्वारा होता है। म्यूसिस डिवीज़न होने के कारण क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया तो मेल और फीमेल गैमेट जब मिक्स हुआ तो दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होते हैं, जायगोट बनता है। तो फिर से वो अपनी प्लॉइडी यानी डिप्लॉयड कंडीशन मेंटेन कर लेता है, और कुछ इसी तरीके से ये रिप्रोडक्शन भगवान ने हमारे लिए डिज़ाइन किया है। फोर्थ स्टेप है, यानी सोचने वाली बात है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बनेगा, और ये एम्ब्रायो जाकर यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। मैंने लिखा अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो टू द वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल के उस यूट्रस का नाम है, यूट्रस का जो वॉल है, तीन वॉल होता है यूट्रस में, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे इंटरनल वॉल है एंडोमेट्रियम, उसी के अंदर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रायो, और इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब सोचने वाली बात है, एक जायगोट कितने सेल का बना हुआ होता है, बना तो दो सेल का होता है लेकिन वो सिंगल सेल है, जायगोट एक सिंगल सेल। तो जायगोट के अंदर लगातार डिविजन्स चलते रहते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो 16 से 32वां जो स्टेज है उस सेल का, उसी कंडीशन में वो क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, और उस स्टेज को ब्लास्टुला स्टेज भी कहते हैं, याद रखिए। पांचवा स्टेप है हमारा जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या है, पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन टू पार्चुरेशन। कॉन्सेप्शन का मतलब जब मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुआ तो उसको कॉन्सेप्शन कहेंगे, और डिलीवरी ऑफ बेबी या फिर गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, यानी बच्चे का जन्म को पार्चुरेशन कहा जाएगा। तो इसके बीच में जो ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग में ये जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ +-10 डेज का होता है, यानी 9 मंथ के साथ 10 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, अबाउट 280 डेज। तो ये था जेस्टेशन। जो हमारा लास्ट स्टेप यानी 6th स्टेप है वो है पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी एक छोटे से बच्चे को जन्म देना, इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। तो हमने 6 स्टेप देखे, कौन कौन, पहला देखा गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट फॉर्म होता है, दूसरा देखा इंसेमिनेशन जिसमें मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तीसरा देखा फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमेट पहुंचा तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बना और फिर एम्ब्रायो बनेगा, और वो एम्ब्रायो फीमेल बॉडी के यूट्रस के इंटरनल वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। पांचवा है जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या है, यानी उस बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस पूरे ड्यूरेशन को कहा जाएगा जेस्टेशन, और आफ्टर फुल डेवलपमेंट उस बच्चे का जन्म होगा यानी डिलीवरी होगी, उस प्रोसेस को कहा जाएगा पार्चुरेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो इस सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, मेनली टेस्टिस, पेनिस, वॉस डिफरेंस एंड यूरेथ्रा, ये चारों टॉपिक इसमें मेन है। अब इस डायग्राम को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब देखो सबसे पहले फोकस करेंगे किसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर। अगर मैं पूछूं कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा होना चाहिए, ये वही ऑर्गन होना चाहिए जो रिप्रोडक्शन के जो मैंने स्टेप्स बताए 6 स्टेप, उसमें जो पहला स्टेप था
पहला स्टेप क्या था, गैमेटोजेनेसिस, यानी जो सबसे पहला काम करे उसी ऑर्गन को सबसे मेन ऑर्गन कहा जाएगा, कौन सा, टेस्टिस, यानी ये क्या करेगा, ये गैमेटोजेनेसिस करेगा, यानी गैमेट फॉर्मेशन करेगा, फीमेल में वही ओवरी हो जाएगा। अब देखिए ये टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा, ये स्पर्म नेक्स्ट ट्रैवल करेंगे किस, इस डक्ट के अंदर जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद जो नेक्स्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका नाम है वॉस डिफरेंस। इस यूरिनरी ब्लैडर को सराउंड होता है और आगे पास आउट होता है। अब यहाँ देखिए यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन स्टोर करता है, एक ऐसा ऑर्गन जो यूरिन स्टोर करता है, यहाँ से यूरिन का पाथवे भी सेम और इधर से जो स्पर्म गया उसका पाथवे भी सेम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूरेथ्रा नाम का एक स्ट्रक्चर है जिस जो कॉमन पाथवे हो जाता है स्पर्म और यूरिन का। नेक्स्ट, अब ये यूरेथ्रा इंटर करता है एक मस्कुलर ऑर्गन में जिसका नाम है पेनिस। इस पूरे ऑर्गन को पेनिस कहा जाता है। इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो मैंने दो स्ट्रक्चर दिखाए, एक ब्लू कलर से एक रेड कलर से। ब्लू कलर से जिसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और रेड कलर वाला कॉर्पोरा कैवर्नोसा, देखेंगे है क्या वो। अब देखिए ये मेन है हमारा स्क्रॉटम, स्क्रॉटम से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये जो टेस्टिस है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, यानी ये टेस्टिस फॉर्म तो होता है जब फीटल स्टेज में कोई बेबी होता है तो उस टाइम उस बेबी के बॉडी के अंदर एब्डोमेन के अंदर ही इस टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब एक बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो उस दौरान स्क्रॉटम नाम का एक स्ट्रक्चर बाहर आता है और उसके अंदर टेस्टिस आ जाता है, यानी टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रॉटम के अंदर आ जाता है। रीज़न देखेंगे, देखिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला टेस्टिस, टेस्टिस का जो नंबर होगा मेल में वो दो होगा, यानी वन इन पेयर कह सकते हैं। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऐसे आधे पार्ट में मैंने काटा है, तो जो चीज़ें दिख रही है आगे बात करेंगे। यहाँ देखिए टेस्टिस के बारे में मैंने लिखा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा कहाँ लाई करेगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी जिसको स्क्रॉटम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा अगर स्पर्म, अगर हमारा टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर होता, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता, तो इस 37 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म का मैचुरेशन अच्छे से नहीं हो पाता, यानी वो स्पर्म क्या होता, नॉन फंक्शनल होता। इसलिए स्क्रॉटम के अंदर ये टेस्टिस होता है और इस स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री कम होता है, क्योंकि बॉडी के एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, इसका जो टेम्परेचर होगा ये 35 के अराउंड होगा, तो यहाँ स्पर्म का मैचुरेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। जो चीज़ें मैंने बताई वही लिखा है, फीटल स्टेज में टेस्टिस डेवलप होगा उसके एब्डोमेन में और पार्चुरेशन के टाइम में, यानी जब उस बेबी का बर्थ होने वाला होगा तो कुछ दिन या मंथ पहले स्क्रॉटम नाम का स्ट्रक्चर बनेगा, वो टेस्टिस उसके अंदर आ जाएगा। टेस्टिस इज एब्डोमिनल इन एलिफेंट, बैट, व्हेल एंड डॉल्फिन। इसके अंदर जो टेस्टिस होगा ये इसके बॉडी के ही अंदर होगा। नेक्स्ट है पेनिस। याद करो अभी अभी मैंने बताया था कॉपुलेशन, कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये सब का मतलब आपको समझना क्या, सेक्स। पेनिस, पेनिस क्या है, जो कॉपुलेशन में हेल्प करे, इसलिए इसको मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है, जिसके अंदर 3 ट्यूब आपको दिखते हैं। ये जो ट्यूब है ये 3 ट्यूब है, कैसे मैं बता रहा हूँ अभी, और इन ट्यूब के अंदर ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है, इनके अंदर ब्लड फिल हो जाता है ड्यूरिंग एक्साइटेशन, यानी पेनिस को जब इरेक्ट होना होता है तो उस दौरान उन ट्यूब में ब्लड फिल हो जाता है और ये पेनिस का इरेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग एक्साइटेशन। अब देखिए मैंने इस पेनिस को ऐसे एक ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा इस तरीके से, कि मान लो ये पेनिस है, इस पेनिस को इस तरीके से कट करके मैंने ऐसे दिखाया यहाँ। तब देखो अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ रेड स्ट्रक्चर एक ही दिख रहा है लेकिन यहाँ 2 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से कट किया हुआ है और ये इस पेनिस का इस तरीके से काटा हुआ है, तो ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सिंगल है, दिख यहाँ 2 रहा है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से मैंने काटा है, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये सिंगल दिख रहा है लेकिन ये 2 होता है पेनिस में। तो ऊपर देखिए कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम का ट्यूबलर स्ट्रक्चर जो रन करेगा पेनिस के जस्ट पैरेलल, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये भी पैरेलल रन करेगा लेकिन ये एक ही स्ट्रक्चर है। जो यूरेथ्रा है, जो यूरिन और स्पर्म का पाथवे है, वो इसके जस्ट बीच से ही रन करता है, तो इसको याद रखना। तो एक्साइटेशन के दौरान, मेल में एक्साइटेशन के दौरान ये तीनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ब्लड से फिल हो जाते हैं जिसके कारण पेनिस इरेक्ट हो जाता है। अब देखिए अब नेक्स्ट है वॉस डिफरेंस। आप देख सकते हो कि वॉस डिफरेंस क्या है, जस्ट टेस्टिस से स्पर्म निकला, एपिडर्मिस में पहुंचा और फिर
वॉस डिफरेंस एक पाथवे प्रोवाइड करता है उस स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद ये वॉस डिफरेंस ख़त्म हो जाता है जहाँ यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, यूरेथ्रा बनाएगा। इसका नाम है यूरेथ्रा, इस अंदर ब्लैक वाली ट्यूबलर स्ट्रक्चर का नाम यूरेथ्रा है। हम हमेशा बात करते हैं स्पर्म यानी, लेकिन याद रखना है मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज नहीं होता, सीमेन रिलीज होता। और सीमेन और स्पर्म में क्या फ़र्क है, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ तीन ग्लैंड के नाम लिखे हैं। एक है, एक का नाम सेमिनल वेसाइकल, दूसरे का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरे का नाम बल्बो यूरेथ्रल, या इसको कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं, कॉर्पस ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, ये तीनों ग्लैंड सिक्रीट करेंगे जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा, सूटेबल मीडियम देगा और मोर्टिलिटी टू द स्पर्म यानी उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाएगा। तो ये सब केमिकल सिक्रीट होते हैं इन तीनों ग्लैंड के साथ, तो स्पर्म और इन तीनों के सिक्रीशन को एक साथ कहा जाता है सीमेन, इसलिए मैंने लिखा स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉल्ड सीमेन, आपको याद रखना। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है मेल में, फीमेल से ज़्यादा लंबा होता है यानी लॉन्गर देन फीमेल। एक चीज़ और याद रखना है मेल और फीमेल में, मेल में यूरिन और स्पर्म का पाथवे सेम होता है लेकिन फीमेल में ये अलग अलग होता है, इसलिए लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। तीसरा है रन पैरेलल टू द मस्कुलर ऑर्गन पेनिस यानी पेनिस के जस्ट पैरेलल ही रन करता है। देखिए कुछ हैशटैग में मैंने लिखा है, आपने फेसबुक इंस्टा पे हैशटैग देखा होगा, आज मैंने बोर्ड पे भी हैशटैग लगाया है, तो देखो हैशटैग में क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहला क्वेश्चन एपिडर्मिस से अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेयर द स्पर्म स्टोर, स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है, तो उसका आंसर जाएगा एपिडर्मिस, याद रखना है आपको। दूसरा मेल इजैकुलेट 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म एट वंस यानी मेल एक बार में जितने स्पर्म रिलीज करता है उसका नंबर क्या है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, बहुत ही ह्यूज नंबर। अगर सीमेन का पीएच नापे, पीएच आपने पढ़ा होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन केमिस्ट्री में, तो ये 7.35 टू 7.5 तक हो सकता है यानी कह सकते हैं ना स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा सा बेसिक होता स्पर्म। एसेसरी ग्लैंड क्या है, जो तीनों ग्लैंड आपने देखे इन तीनों ग्लैंड को एसेसरी ग्लैंड कहते हैं। एसेसरी का मतलब जो सहायक होता है, हेल्प करता है जो इस प्रोसेस में, उसको कहेंगे एसेसरी ग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, कुछ चीज़ें आप कभी आपने गौर किया होगा कि मेल और फीमेल गैमेट के कंडीशन में हमेशा मेल गैमेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हमेशा एक मेल बहुत ह्यूज नंबर ऑफ स्पर्म यानी मेल गैमेट रिलीज करता है और फीमेल बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल गैमेट रिलीज करती है। यहाँ भी कंडीशन आपने देखा मेल का नंबर कितना है पर इजैकुलेशन 200 टू 300 यानी एक बार में मेल इतना स्पर्म रिलीज करता है, लेकिन वहीं अगर फीमेल में बात करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल में बात करें तो सिर्फ एक फीमेल गैमेट रिलीज होगा एक बार में, और उस एक फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करने के लिए इतने सारे स्पर्म दौड़ पड़ेंगे, सोचो कितनी बड़ी रेस होती होगी। कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों में ये जो टेस्टिस होता है वो उनके बॉडी के अंदर ही रह जाता है यानी स्क्रॉटम में नहीं आ पाता, इस बीमारी को क्रिप्टोचाइडिज्म कहते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं आपके लिए बस सुन सकते हो, इस बीमारी को क्रिप्टोचाइडिज्म कहते हैं। तो वो क्या किया जाता है, ऑपरेशन करके उस टेस्टिस को इस स्क्रॉटम के अंदर डाल दिया जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये नहीं हुआ सॉल्यूशन तो क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो वो चाइल्ड, मेल चाइल्ड कभी फादर नहीं बन पाएगा। तो इन सारे नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यही था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं अगर पूछूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होगा, जिस तरीके से हम आपने मेल में समझा था यानी वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप करा रहा हो, कौन सा स्टेप्स, हाँ आपने सही पहचाना, गैमेटोजेनेसिस। तो कौन सा ऑर्गन है जो गैमेटोजेनेसिस कराएगा, ओवरी। ओवरी देखा जाए तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरी है। अच्छा आपको देखकर ऐसा नहीं लगता ये डायग्राम ह्यूमन बॉडी की तरह है, मुझे तो साफ साफ लग रहा है, कैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले इसके सारे पार्ट्स को देखते हैं। अब ओवरी के बाद जो नेक्स्ट है ये जो फिंगर की तरह स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं फिम्ब्रिया, आपको 10th में नहीं पढ़ना है लेकिन याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ओविडक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं या फिर फॉलोपियन ट्यूब। इस फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा है इस्थमस।
इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, इन तीनों पार्ट को ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये ओविडक्ट फॉलोपियन ट्यूब ओपन कहाँ हो रहा है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं वॉर्म या फिर यूट्रस। वॉर्म या फिर यूट्रस, हिंदी में इसको गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। ऊपर का जो पोर्शन है उसको फंडस कहते हैं। फिर नीचे जब आते हैं उससे, तो नेक्स्ट है सर्विक्स और इसके नीचे वजाइना। अब देखिए, इस यूट्रस का जो वॉल है इसको यूटेराइन वॉल कहेंगे। यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल्स आर मेड अप ऑफ थ्री लेयर। फर्स्ट इज पेरिमेट्रियम, सेकेंड इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। एंड द टू लेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। देखते हैं क्यों आखिर, तो वो बात करेंगे। पहले इस डायग्राम को अज्यूम करते हैं। मान लो अगर मैं दो बास्केटबॉल लेकर इस तरीके से खड़ा हो जाऊँ आपके सामने, तो आई थिंक कुछ ऐसा ही लगूंगा। सोचते हैं जैसे ये जो दोनों बास्केटबॉल है मेरे हाथ में, वो कैसा लग रहा है? वो ओवरी की तरह काम करेगा। वो बास्केटबॉल के साथ जो मेरा फिंगर अटैच है वो फिम्ब्रिया की तरह काम करेगा। फिम्ब्रिया के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है इनफंडिबुलम, फिर नेक्स्ट एम्पुला एंड देन नेक्स्ट इस्थमस। तो ये तीनों पोर्शन, इसको एक साथ क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब आते हैं बॉडी में। अब जब ये ओविडक्ट ओपन होगा इस रीजन में, जिसको कहा जाता है वॉर्म या फिर यूट्रस। वॉर्म या फिर यूट्रस से नीचे जाएंगे तो सर्विक्स और लास्ट वजाइना। अब देखिए, ये जो मेरा सर है ये मेरा मुंडस, जस्ट लाइक फंडस, याद रखिए। यानी इसका उठा हुआ जो पोर्शन है वो उसको फंडस के नाम से जानते हैं। अब सबसे जो फेवरेट प्लेस होता है ना एक एम्ब्रायो के अटैचमेंट के लिए, वो होता है फंडस। इसी रीजन में एम्ब्रायो अटैच होता है। अब आगे बात करते हैं एक एक ऑर्गन्स को एक एक साथ। फर्स्ट वन इज ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी भी सेम टेस्टिस की तरह ही वन पेयर यानी दो होगा फीमेल में। काम क्या करेगा? काम करेगा, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, और ये प्रोड्यूस करेगा ओवम और दूसरा सेक्स हार्मोन, जिसके अंदर दो हार्मोन आएंगे, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। मेल में एक ही हार्मोन था, नाम मैंने दो बताया था। ये प्रेजेंट कहाँ है ओवरी? ये पेल्विक कैविटी में, या फिर इसको लोअर एब्डोमेन यानी एब्डोमेन के सबसे लोअर रीजन में होता है। देखिए, याद रखिएगा, एक मेल और फीमेल में, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि मेल गैमेट को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है और फीमेल गैमेट को कम। लेकिन अगर मेल और फीमेल की बात की जाए तो मेल को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन फीमेल की बॉडी में बिफोर बर्थ, एक फीमेल चाइल्ड के बॉडी में ये चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं ताकि आके जाके वो फीमेल चाइल्ड एक मदर बन सके। तो इसलिए मैंने लिखा, वेन अ गर्ल चाइल्ड बॉर्न इट हैज़ थाउजेंड ऑफ इमैच्योर एग्स बिकॉज एग्स आर फॉर्म्ड इन अ फीटल स्टेज। यानी एक फीमेल चाइल्ड माँ के वॉर्म के अंदर ही होती है, तो उस दौरान उसके ओवरी में कुछ इमैच्योर यानी कुछ ऐसे गैमेट्स जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, वो उसके ओवरी में बन चुके होते हैं। और आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ दैट बेबी, उसकी डिलीवरी हो गया, उसके बाद जब वो प्यूबर्टी एज में आती है, तो वही एक एक जो गैमेट्स थे वो कुछ थाउजेंड तक बच जाते हैं, और वो एक एक करके मैच्योर करते हैं, और हर मंथ एक एक गैमेट रिलीज होता है, एक एक फीमेल गैमेट रिलीज होता है। देखिए, फीमेल गैमेट रिलीज कहाँ से होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से यानी ओवरी से। तो इस ओवरी से फीमेल गैमेट का निकलना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट है फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब एक ऐसा रीजन जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो, इस ओवरी से फीमेल गैमेट निकला, ये फीमेल गैमेट इस फिम्ब्रिया के द्वारा कलेक्ट हुआ और ये चला आया इनफंडिबुलम में, उसके बाद एम्पुला में, फिर उसके बाद आगे बढ़ा। यानी फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है यहाँ। ये फीमेल गैमेट यहाँ आकर इस जगह पर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और ये वेट करता है कि अगर कोई मेल गैमेट आता है तो मैं उसके साथ फर्टिलाइज करूँगी। लेकिन अगर मेल गैमेट नहीं आएगा तो उसका केस अलग है। अगर मेल गैमेट आ गया तो फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट यहाँ से स्विम करता हुआ आया और यहाँ पहुँचा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, तो आप आंसर दे सकते हो ओविडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब, या फिर और भी स्पेसिफाई दे सकते हो, तो इन दोनों रीजन के बीच में कह सकते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। आगे मैं बताऊँगा आपको। देखो लिखा मैंने, फर्टिलाइजेशन अकर इन फॉलोपियन ट्यूब बिटवीन इस्थमस एंड एम्पुला, दैट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब।
यानी ये जो एग है, ये जो फीमेल गैमेट है, ये फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ पहुँचता है और उसके बाद यूट्रस के बाद पहुँचेगा, यूट्रस के पास पहुँचेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर दोनों ओविडक्ट, यानी ये ओविडक्ट और वो ओविडक्ट दोनों आके ओपन होते हैं इसके अंदर, और ये एक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ एक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने बताया तीन लेयर इस यूट्रस के, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे एक्सटर्नल, मायोमेट्रियम मिडिल में, और इंडोमेट्रियम सबसे इनर वॉल होता है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट है, मायोमेट्रियम वॉल, मायोमेट्रियम, एम से मिडिल, एम से मायो याद रख सकते हो, कन्फ्यूज़न नहीं है, मिडिल वाला वॉल मायोमेट्रियम, और इंडो जो अंदर हो वो एंडोमेट्रियम। देखिए याद रखिएगा, मायोमेट्रियम का मेन फंक्शन क्या है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, जब एक बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है तो इस मायोमेट्रियम में बहुत ही वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि ये बेबी बहुत आसानी से आ सके इस दुनिया में। दूसरा है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एक ऐसा लेयर है जो मैंने रेड कलर्स दिखाया, अगर ये ना होता तो इम्प्लांटेशन ना होता। अब ये इम्प्लांटेशन क्या है, याद करो स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, यानी एम्ब्रायो का अटैच हो जाना यूट्रस के वॉल से। तो यूट्रस के वॉल से अटैच कैसे होगा, जब तक ये एंडोमेट्रियम लेयर नहीं होगा यूट्रस वॉल के अंदर तब तक अटैचमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है वजाइना। अब ये क्या है, अगर यूट्रस के बाद जो स्ट्रक्चर देखे सर्विक्स है फिर वजाइना। देखिए वजाइना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल में क्या था, मेल में पेनिस, पेनिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड वजाइना इज अ फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दीज बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट। अब देखिए फीमेल बॉडी में हर मंथ कुछ प्रिपरेशन चलते हैं, कि मान लो फीमेल गैमेट रिलीज हुआ यानी ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद वो फीमेल गैमेट फॉलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच चुका है। अब उसके बाद अगर ये मेल गैमेट आता है क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा एट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन या फिर ओविडक्ट या फिर फॉलोपियन ट्यूब, तीनों में से कुछ भी याद रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, बात करते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, आपने प्लांट्स में भी अभी भी देखा था पिछले वीडियो में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बना वो जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है जो दो सेल से मिलकर बना है। अब उस जाइगोट में क्लीवेज डिवीज़न होगा, और वॉट इज क्लीवेज डिवीज़न, देखो मान लो ये मैंने जाइगोट बनाया तो क्या होगा, इस जाइगोट के बाद इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, बस इसके अंदर सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। कैसे, जादू से, नहीं सेल डिवीज़न से, यहाँ कोई जादू नहीं है। अब देखो ये दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल से सोलह सेल, सोलह सेल से 32 सेल। अच्छा याद आता है आपको क्या, ब्लास्टोसिस्ट। हाँ यानी इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, यानी ये जाइगोट एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32 स्टेज में पहुँचा, तब जाकर इम्प्लांटेशन होगा इसका। अब देखो अगर इस रीजन में जाइगोट बन चुका है तो ये जाइगोट आगे की तरफ मूव होता चला जाएगा और साथ ही साथ क्लीवेज डिवीज़न होता चला जाएगा, यानी ये जाइगोट का सेल नंबर बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसके 16-32 सेल स्टेज में आ चुका होगा, और उसके बाद इस रीजन में इम्प्लांट हो चुका होगा, यानी इसके अंदर अटैच हो चुका होगा इस यूट्रस के बॉल से, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। अब देखिए नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसी टॉपिक को आप 12th में पढ़ोगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और 3 से 4 क्लासेस लग जाते हैं सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने में, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट टाइप का टॉपिक हमको 10th में जानना है। तो क्या लिखा है मैंने, अ साइक्लिकल चेंज इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल ऑफ प्राइमेट्स इन विच एंडोमेट्रियम गेट थिकन फॉर एम्ब्रायो अटैचमेंट और ब्रेक डाउन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यानी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक साइक्लिकल चेंज है प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर ह्यूमन आ जाएगा, एप आ जाएगा, मंकी आ जाएगा, गोरिल्ला आ जाएगा, ये सेम प्रजाति के, हम लोग भी कैसे ही वैसे ही हैं, और सेम प्रजाति के ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सब प्राइमेट्स नाम के ग्रुप में आते हैं। तो इन सब प्राइमेट्स फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और सेम टाइप से होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर मैंने बनाया है, ये एंडोमेट्रियम का लेयर थिक होता चला जाता है, क्यों, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम का लेयर थिक नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मान लो
अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ये लेयर थिक होने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमारे पास, तो उसके बाद ये लेयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लेयर टूट जाएगा, और यही साइक्लिकली होते रहता है एक फीमेल के अंदर, तो इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ह्यूमन फीमेल में ये जो ड्यूरेशन ये 28 to 29 डेज का, यानी फीमेल ह्यूमन में 28 से 29 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही मेंस्ट्रुएशन एक टर्म है, कभी कभी बच्चे इस दोनों को सेम समझ लेते हैं लेकिन फ़र्क है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट ब्लीडिंग फेज से होता है, यानी बॉडी से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ब्लड डिस्चार्ज होगा। अब सोचने वाली बात, देखो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, ये रेड से बनाने का रीज़न एक और है, ये ब्लड वेसल से बना होता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स है, यानी इसमें ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, म्यूकस है, इन सब से। तो जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है फीमेल बॉडी से, और ये 1 to 5 डेज तक हो सकता है, एवरेज 5 डेज का होता है। तो ये जो स्टार्ट हुआ जब इसका ब्रेकडाउन, तो वो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाएगा आपको। तो इसी प्रोसेस को, ये जो फीमेल गैमेट यहाँ आया, अगर ये स्पर्म का इंतज़ार कर रहा है मेल गैमेट का और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेल गैमेट नहीं आया, तो इस फीमेल गैमेट को बॉडी से बाहर निकालना, साथ ही साथ इस पूरे प्रिपरेशन को, यानी ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर थिक होता चला जा रहा था, अब ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब हुआ ही नहीं तो इम्प्लांटेशन की तो बात ही नहीं होती। तो ये फीमेल गैमेट और ये एंडोमेट्रियम, ये सब बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएंगे, और इसी को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इसलिए मैंने लिखा है फ्लशिंग आउट ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस विथ एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम, यानी बिना फर्टिलाइज्ड ओवम का रिलीज हो जाना है एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ। एंडोमेट्रियम किससे बना है? न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स, देयर फॉर ब्लड रिलीजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। देखिए, मेंस्ट्रुएशन को ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर वही इंस्टा वाला हैशटैग हमारा, लास्ट मेंस्ट्रुएशन एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर किसी फीमेल में प्यूबर्टी एज आने के बाद जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, उस मेंस्ट्रुएशन का नाम क्या है? मेनार्की, नॉट मेनार्ची, इट्स मेनार्की। इट्स अ साइन ऑफ प्यूबर्टी, यानी ये प्यूबर्टी का साइन है, यानी अगर किसी फीमेल चाइल्ड में ये स्टार्ट हो गया तो कह सकते हैं कि वो प्यूबर्टी एज में अब आ चुकी है। लास्ट मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जिसको नाम है मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कोई फीमेल 45 to 50 या 55 एज तक पहुँचती है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है उसके अंदर, तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज अ साइन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर मान लो फीमेल में ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, ये दोनों का फ्यूजन जायगोट बन गया, उसके बाद ये एंडोमेट्रियम कभी ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ब्रेक हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा। तो याद रखना इस टॉपिक को कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है वहीं। इसलिए कह सकते हैं एब्सेंस या फिर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसको याद रख। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। अब देखो, अगर वो डायग्राम याद होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो ओवरीज थी और एक बार में एक ही फीमेल गैमेट का रिलीज होना था, तो कैसे होंगे? एक बार लेफ्ट ओवरी से, एक बार राइट ओवरी से, यानी वन मंथ लेफ्ट ओवरी से एक फीमेल गैमेट और दूसरे मंथ राइट ओवरी से, तो इस तरीके से ही ये रिलीज़ होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसलिए लिखा मैंने, आफ्टर प्यूबर्टी ओनली वन एग इज़ प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटली फ्रॉम ओवरी, अल्टरनेट वाइज होगा। फिर मैंने बताया था आपको कॉपुलेशन, कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये सब का मतलब क्या है? सेक्स। तो क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्स, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल गैमेट ट्रांसफ़र होता है फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर गया वजाइना की मदद से, वजाइना के द्वारा पहुंचा कहाँ? फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था? फॉलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर एम्पुलरी स्फिंक्स जंक्शन के पास, और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। मैंने बात किया था कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा क्या? जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, और वो एम्ब्रायो मूव होता चला जाएगा, यानी फॉलोपियन ट्यूब से उस यूट्रस के अंदर आता चला जाएगा। साथ ही साथ क्लीवेज डिवीजन भी होगा, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब 32 सेल स्टेज में आता है तो ये क्या होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट कुछ ऐसा दिखता है और वो अटैच हो जाता है यूट्रस के वॉल के साथ, यानी यूट्रस के वॉल जो बताया था मैंने, एंडोमेट्रियम। अब यूट्रस के वॉल से अटैचमेंट के दौरान आप देखो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है जिसका नाम है विलाई। ये विलाई जाकर यूट्रस के वॉल के अंदर घुस जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, एक प्लासेंटा नाम का एक डिस्क शेप्ड है टिश्यू, इसका फॉर्मेशन होगा। ये प्लासेंटा किसकी मदद से बनता है? ये प्लासेंटा यूट्राइन वॉल यानी एंडोमेट्रियम
और इस पूरे ओवम फीमेल गैमेट की मदद से बनता है, फर्टिलाइज फीमेल गैमेट। इसलिए मैंने लिखा है प्लासेंटा का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लासेंटा इज अ डिस्क शेप टिश्यू विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल विच इज एक्सचेंज गैसेस फूड वेस्ट मटेरियल बिटवीन मदर एंड फीटस। यानी मदर और फीटस के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज कराना, गैसेस का एक्सचेंज कराना, फूड वेस्ट, इन चीज़ों का एक्सचेंज कराने का काम कौन करेगा? प्लासेंटा। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए ये जो विलाई के नीचे है प्लासेंटा, प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड से ये छोटा सा बेबी यानी एम्ब्रायो अटैच है, इसको फीटस भी बोलेंगे थोड़ी देर के बाद। ये एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? इस प्लासेंटा की मदद से मिल रहा है, वहाँ से ये अम्बिलिकल कॉर्ड से ट्रांसफ़र होकर पहुँच रहा है। इसके अंदर ये जो बेबी का डेवलपमेंट ये फ्लूड मटेरियल के अंदर होता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूड। ये फ्लूड आपको याद रखना, मैं आगे बात करूँगा इसके बारे में, एमनियोसिंथेसिस बताऊँगा उसमें आप पढ़ो फ्लूड को, एमनियोटिक फ्लूड। आफ्टर द डेवलपमेंट अ फुल्ली मैच्योर्ड बेबी इज़ फॉर्म्ड एंड रेडी टू बॉर्न। यानी जब पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है इस एम्ब्रायो का, फीटस बनकर फिर एक बेबी बनकर, उसके बाद ये रेडी हो जाता है दुनिया में आने के लिए यानी डिलीवरी के लिए। याद रखना आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कि एक बेबी में जो सबसे फर्स्ट ऑर्गन डेवलप होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हर्ट। यानी वन मंथ में, आफ्टर अटैचमेंट वन मंथ के बाद ही हर्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो किसी प्रेग्नेंट लेडी का आप हाथ पकड़ के, उसके नस को पकड़ के भी आप फील कर सकते हो दो हर्ट बीट, एक उसका और एक उसके अंदर उसके बेबी का। अब देखिए जो लास्ट स्टेप था पार्चुरेशन, याद करो 6 steps ऑफ रिप्रोडक्शन, पांचवा था जेस्टेशन और छठा था पार्चुरेशन। पांचवा मैंने ये बताया जेस्टेशन पीरियड, 6th है पार्चुरेशन, यानी शॉर्टकट बता सकते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी। अकर्स आफ्टर जेस्टेशन पीरियड, यानी जेस्टेशन के बाद होगा क्योंकि पूरा का पूरा बेबी डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही उस बेबी का बर्थ होगा। ड्यूरिंग पार्चुरेशन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट इन यूट्रस विच अकर कंटिन्यूसली एट द एंड ऑफ डिलीवरी। यानी जब एक बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है तो यूट्रस के अंदर, यूट्रस के वॉल के अंदर करो कौन सा? मायोमेट्रियम, जिसके अंदर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार स्टार्ट हो जाता है उस यूट्रस के अंदर, जिसके कारण जब तक वो बेबी की डिलीवरी नहीं होती तब तक वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही रहता है। मैंने एक हैशटैग में फिर नोट डाला है, फिर हैशटैग इसमें लिखा है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन अकर इन यूट्रस ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, वहीं से एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। यही हार्मोन काम करेगा उस कॉन्ट्रैक्शन में, यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द एग नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी जब फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है? आई थिंक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आंसर आपके सामने लिख दिया, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आज हमारा ये रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जाते जाते बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।